एनआईए का धावा, हैदराबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर मुनद्दम। तेलंगाना में एक बार फिर एनआईए ने छापे मारे। एनआईए की टीमें तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और एपी जिले के करनूल में कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टे में पीएफआई के सदर दफ्तर को मुनद्दम कर दिया। एएनआई की जानिब से कबल अज़ीं दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में पीएफआई के दफ्तर को मोहर बंद कर दिया गया था। दो दिन कबल एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई की सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली थी। निज़ामाबाद और नेल्लूर अजला में कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम हैदराबाद में इनसे पूछताछ कर रही हैं। एनआईए के ज़राए ने इंकशाफ किया कि आज सुबह से जारी ऑपरेशन में ईडी और मुकामी पुलिस भी शामिल है। जांच एजेंसी के ज़राए ने बताया कि एनआईए और ईडी की मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि मरकजी वजारत दाखिला खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। बताया जाता है कि मुश्तरका ऑपरेशन बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जारी है।